इस वक्त हम मौजूद हैं कैपिटल पार्क के अंदर जहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है। मेरे साथ आरजे इमरान है। आरजे इमरान, बताइए कैसा चल रहा है, समा कैसा है यहाँ पे? देखिए, इस वक्त सुनो एफएम 89.4 की बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी जारी है। सुनो एफएम 89.4 का स्टॉल हमने तीन दिन हमने इसको लगाया, यहाँ पर लोगों को एंगेज किया है, फैमिलीज को एंगेज किया है, लोगों ने हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं, हमने ऑडिशंस किए हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन किया है, जो भी आपके अंदर सलाहियत थी वो जोश वल्सबला कैसा देखा है जोर से लेकिन नारा मरवाएं कोई जोश चेक करें कि ऑडियंस का क्या है। देखें दो ये जितने लोग हैं सारे यहाँ पे बड़े जोशीले लोग हैं, हम सारे मिलकर एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान। एक आवाज होके आपने ये नारा लगाना है ऑन द काउंट ऑफ थ्री, 1 2 3 पाकिस्तान। ऑलराइट, जबरदस्त। और आपके साथ मौजूद हैं हमारे साथ यानी कि पीछे आरजे अदील। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त इस्लामाबाद में F9 पार्क में, फातिमा जिना पार्क में, और यहाँ पर तीन दिन का फेस्टिवल, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये फेस्टिवल हुआ है। आज आखिरी दिन है, इख्तिताम होने वाला है इसका, और बड़ा ही ज़बरदस्त ये काविश थी हुकूमत की जानिब से, कटिंग एज की जानिब से, और ज़ाहिर हमारी जानिब से भी क्योंकि हम इसके ऑफिशियल रेडियो पार्टनर हैं। तो तीन दिन यहाँ पर जो है वो फैमिलीज आई, यहाँ पर उन्होंने इन्जॉय किया, बच्चे बड़े खुश थे चूँकि हम यहाँ पर एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे थे, बच्चे बड़ा इन्जॉय कर रहे थे, फैमिलीज बड़ी इन्जॉय कर रही थी, और बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल जो है। और एक बड़ी जबरदस्त बात है कि आपकी जो ब्रॉडकास्ट है जो आप यहाँ से लाइव कर रहे हैं वो बड़ी हाई क्वालिटी के अंदर जो है हमारे रेडियो पे भी ऑन एयर हुई हुई है। बिल्कुल, ये भी हमारी जो टीम है उनका एक बड़ा जबरदस्त कारनामा है कि यहाँ से हम जो है वो पैनल के थ्रू ना टेलीफोन के जरिए लाइव नहीं जा रहे बल्कि हम यहाँ पे ऑन डायरेक्टली माइक जो है वो यहाँ से हम लाइव ट्रांसमिशन जो है सुनो एफएम 89.4 को दे रहे हैं। हम तो ने जाती तौर पर भी बड़ा इंजॉय किया है यहाँ पे, और लोगों को खुश देख के, एंजॉय करते हुए देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या बात है। और ये थे जनाब आरजे आदिल, मैं हूँ अज़र हुसैन। अब कुछ देर बाद आपको लोगों से भी बात करवाएंगे कि उनका जोश खरोश कैसा रहा इस इवेंट के ऊपर। देखते रहिए सुनो डिजिटल। अच्छा, आपका नाम क्या है बताइए? इलहान रहीर। इलहान थ्री ये गिफ्ट होगा हमारी तरफ से इस बच्चे के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, और इनको म्यूजिक की क्लासेस जारी रखें बच्चे की। बहुत शुक्रिया। और उनमें इस छोटे बच्चे ने आपको एक गाना सुनाया। हम आपको बहुत से लोगों से बात कराते हैं। जी बेटा, कैसे हो? कहाँ से आए हो? इस्लामाबाद से। अच्छा, और रेडियो सुनते हो? जी। कभी कभी सुनते हो, ज्यादा सुनते हो? ज्यादा। ज्यादा सुनते हो। अच्छा, कौन सा गाना पसंद है तुम्हें? कोई भी। कोई भी? अच्छा, रेडियो पे चल रहा हो। अच्छा, हाँ ओके। कुछ आता है गाना सुनाएंगे आप हमें कोई? मुझे नहीं आता। नहीं आता, ओके। किसी को सलाम देना चाहें तो पूरे पाकिस्तान में आपकी ये वीडियो दिखाई देगी। सबको सलाम है। अपने दोस्त बच्चे मासूम होते हैं, हमारे और दोस्त हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप आए? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। कैसा लगा आपको ये फेस्टिवल जो है? बेहतरीन, फैंटास्टिक, और दोबारा से एनर्जी आ गई दोबारा एक साल बाद आफ्टर कोविड। बाहर का जो दुबला हो गया है बहुत ज़बरदस्त। कोई खाने पीने का? लोग एक्टिव रहते हैं। इस्लामाबाद जो है ना कैपिटल सिटी है, और इस्लामाबाद में ही हो रहा है सब कुछ, हैपनिंग इन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के अलावा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ और मजीद भी प्रेजेंटर्स मौजूद हैं, और आरजे भट्टी जो तीन दिन, आज तीसरे दिन भी आए हैं, और उन्हें बड़ा जोश और खरोश खरोश जोश और खरोश दिलाया है लोगों को। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो फेस्टिवल है बड़े अरसे के बाद इस्लामाबाद में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि जनरल पब्लिक हर कोई आके उसको इंजॉय कर सके, और सबसे अच्छा ये रखा गया कि फ्री टिकट है, तो एंट्री फ्री में ये है कि हर तबका उम्र से ताल्लुक़ रखने वाला, हर तबका फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स स्टॉल को विजिट कर रहा है, और जिस कदर रश है तो काफ़ी सक्सेसफुल है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो 60 से ज़्यादा जो स्टॉल है खाने की, वो डिफरेंट, तो मज़े ही मज़े ने, ज़बरदस्त। और बताइए कि रिस्पॉन्स कैसा आपके जो लिसनर्स भी आए होंगे आपको सुन के रेडियो पे, आप लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहे थे। देखिए, मैं अगर लिसनर, एक मिनट अगर मैं इनको ले लूँ साथ, इधर आ जाए ज़रा, मैं आपको इसका जवाब बिल्कुल सबके सामने दे देता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? भावलपुर से। किसके पीछे आए हैं? अतीक और मान भट्टी, खादिम आला। तो ये भाई जो हैं भावलपुर से आए हैं, प्रोग्राम सुन रहे थे कल, तो ऑल द वे अपनी फैमिली लेकर आए हैं, और जब मैं 2004 में प्रोग्राम करता था तब से मेरे लिसनर हैं। तो इससे अंदाज़ा करें कितना सक्सेसफुल होगा कि हमारी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में जब जाती है तो क्राउड फुल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो एफएम के प्लेटफॉर्म से।
Alright, बहुत शुक्रिया. ये थे आरजे भट्टी ऑफ सुनो एफएम और ये पंजाबी का प्रोग्राम करते हैं रात 10 से 12 पीर से लेकर जुमे रात तक. सो मजीद लोगों से भी मिलवाते हैं, लोगों से भी बात करवाते हैं. आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल. जो है अभी आपको दिखाने लगे हैं जो परफॉर्मेंस हमारे देंगे. और बताइए क्या बजाने लगे आप? हेलो जी, क्या बजाएंगे अभी आप? अभी ये हमारा सिंध कल्चर का जो है वो बजाएंगे. सिंध सुबह है, रे सदा सिंधी बोली, ये बजाएंगे. ओके, बजाइए जा. कैसा लग रहा है? आप एंजॉय कर रही हैं? यस, बहुत ज्यादा. कहाँ से आप आई हैं? मैं इस्लामाबाद से. आप इतने अरसे लॉकडाउन के बाद, क्या आपको अच्छा सबसे ज्यादा लगा इस फेस्टिवल पे? ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें सारे लोगों ने ट्विन सिटी से पार्टिसिपेट किया और लॉकडाउन के बाद पहला इवेंट है जिसमें सब लोग ओपनली आए और आउटसाइड से भी आए. एंजॉय कीजिए. ओ मैं लोकां बेली इश्क दा मैनू कोई नहीं परवाह, हुण कर ले जो भी हो सकदा मैं फल्ले तेरी बा. तू इतां हिलना कोई ना, तेरा दुखड़ा सुनना कोई ना, ओ कुड़िए मेरे हाण दी मेरे वर्गा मिलना कोई ना. तेरे पीछे मैनू वे सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, सुनी लगदी ओ मैनू सुनी लगदी, सुनी लगदी ओ मैनू सुनी लगदी. ओए ओ ओ ओ ओ जी, मैं आपको बताता चलूँ, सुनो एफएम रुके तो ये बच्चे आए और इन दोनों बच्चियों ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि हम बड़े होके आपकी तरह डीजे बनेंगे और हम आपकी तरह बहुत ज़्यादा बोलते हैं. तो मैंने कहा आप हिट है अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो. आप बोले कुछ नहीं बोलेंगे. और ये छोटे छोटे बच्चे काफ़ी देर से सुबह से यहाँ मौजूद थे और दे आर बिग फैन ऑफ आदिल खान. रेडियो इज पॉपुलर, डेफिनेटली इज. आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल. सुनो डिजिटल, उसको आप सब्सक्राइब कर लें अभी से ताकि आपको इसकी सारी एक्टिविटीज मिल जाए. और हमारा जी इससे मौजूद है हम फेस्टिविटी के साथ जो कि इस्लामाबाद में 3 दिन का फेस्टिवल था. स्टार्टेड फ्रॉम फ्राइडे सैटरडे और आज संडे लास्ट डे. आज कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस भी है अली अजमत की, हम कोशिश करेंगे इसको भी कवर करें. लेकिन हमारे साथ मौजूद है सादिया जो कि सुनो एफएम से ताल्लुक रखती है. सादिया कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अरसे के बाद, जैसे लगी कोरोना था और कोरोना की वजह, कोविड की वजह से बहुत से लोग जो है वो डिप्रेशन में जा चुके थे. और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे फ्री एंट्री है और हर तरह के लोग, हर तबके से लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं और हर तरह के लोग हैं. और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि बहुत से डिफरेंट से फूड हैं, फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं और लोग हर तरह के फूड को, हर तरह के कल्चर को जो है वो देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. Alright, और हम भी अभी जाके कंसर्ट एंजॉय करेंगे अली अजमत का. वेरी एनर्जेटिक, थैंक यू. साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा और भी हमारे टीम मेंबर्स हैं जो कि बिहाइंड द सीन भी आई है. मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी टीम में कौन कौन है. हमारे साथ आई टी के स्पेशलिस्ट जो हैं वो इस टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं. और ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि जी ट्रांसमिशन जो है लाइव यहाँ से कैसे जाए. उसके साथ साथ आर जे इमरान जो हैं वो भी इंतज़ामिया में ही हैं हमारे साथ. देखिए मैं आज चूँकि आखिरी दिन है, इस पूरे तीनों दिन में इस पूरे इवेंट को लीड कर रहा था और थैंक यू मेरी पूरी टीम का कि उन्होंने पूरा साथ दिया है और वो मेरे साथ रहे हैं. और एक एक बंदे का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो जितने भी टीम मेंबर्स थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस पूरे इवेंट में, अपनी जान लगा दी है. हमें खाने का होश नहीं था, पीने का होश नहीं था. तो थैंक यू, मेरी टीम का बहुत शुक्रिया और दानी साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया. चलें इसे, आप खाने पीने का होश नहीं था, आप चल के हम सबको आप खाना खिलाइए. yes! बिरयानी. आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं अजहर हुसैन एजी और मेरे साथ आए हैं दोस्त जो कि बड़ी दूर से आए हैं और रेडियो प्रोग्राम सुनते हुए आए हैं इस इवेंट के ऊपर और सुनो एफएम के साथ ये यहां पर पहुंचे हैं. इनका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा. गुलाम मुस्तफ़ा का ताल्लुक है चिन्योट से. और आप किस किस से मिलने आए हैं यहाँ पे? मैं खास तौर पे इसकी भाई जो इंग्लिश वाले हैं.
और भट्टी भाई जो हमारे बहुत ही प्यारे आरजे हैं जो हर कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ख़ास तौर पे मैं उनसे मिलने आया था, आपसे मिलने आया था, अथर रिजवी साहब से मिलने आया था, और अदील भाई से भी मुलाकात हो चुकी है। और तो मुझे ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं खुद एक रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हूँ। अच्छा यार, आप रेडियो कम उम्र में इतनी कम सिन रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं जी। अब इनसे पूछते हैं कि अपना जरा स्टाइल बताएं, आप रेडियो पे कैसे बोलते हैं अपने? हमारा रेडियो है जनाब एक फैसलाबाद का कोई भी चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नहीं वो हमारा FM 90 है जहाँ पे हम ओ ब्यूटी क्रीम का शो करते हैं, जो जनाब हमारी बहुत ही अच्छा चेहरे पे लगाते हैं क्रीम वाली। हाँ, वो उससे क्या होता है दाग छाइयां दूर होती वो सब गोरा भी होता है इंसान जी बिल्कुल। आप क्यों नहीं लगाते? मैं खुद जिनकी अपनी है वो चीज, अपनी फैक्ट्री की चीज ना, लोग खुद इस्तेमाल नहीं करते। हाँ हाँ बिल्कुल, वो हमारी अपनी है ना, इसलिए वो लोगों को देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सुनो के दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? सुनो के दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि सुनो FM इसी तरह सुनते रहें जैसे इसी भाई काम करते हैं सुनो FM के लिए, और बहुत अच्छा लगा इसी भाई से मिलकर, और इंशाल्लाह जो है सुनो FM 89.4 अल्लाह ताला इसको इसी तरह कामयाब करे जिस तरह ये सुनो डिजिटल हो गया। पहले इस तरह नहीं था कि यानी कि कोई भी रेडियो ऐसा नहीं था कि जो डिजिटल था, जो मतलब ऐसा ये वो रेडियो है जिसमें तस्वीर भी आती है जी बिल्कुल, जिस एजी भाई नजर आ रहे होते हैं वहाँ पे। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। के साथ कौन कौन दोस्त हैं? ये मेरे साथ मेरे कजन है। अच्छा, आपका नाम क्या है? गुलाम अब्बास। आप दोनों ड्राइव करके आए हैं, कैसे हैं, बस पे हैं क्या? नहीं बाइक पे हैं, मैं इधर IDC में जॉब करता हूँ और काफ़ी अरसे से इधर ही हूँ अभी तक। एंजॉय किया आपने माहौल यहाँ पे? एंजॉय किया, बहुत कल्चर देखने को मिला इधर, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल, देखते रहिए सुनो। ऑलराइट, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और इस टाइम हम फेस्टिवल में उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है। सारा क्राउड इज मूविंग टूवर्ड दैट साइड। आप जैसे देख सकते हैं उस साइड पर बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया है ताकि मैक्सिमम पब्लिक जो है उसको दिखाया जा सके कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ द कॉन्सर्ट वुड बी। और बड़ा जोश खरोश है इस टाइम, पश्तों का सॉन्ग चल रहा है गुल इज सिंगिंग इट। आइए देखते हैं मजीद कॉन्सर्ट। देख रहे हैं सुनो डिजिटल और इस टाइम मौजूद हैं, आखिरी डे है संडे जिसमें बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, और सबसे बड़ी परफॉर्मेंस ये कि जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं जो बड़े पॉपुलर हैं पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर, गुल। कैसे हैं गुल जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कैसा लगा आपको परफॉर्म करने का? लॉन्ग जी, और अभी तो एक साल के बाद परफॉर्मेंसेज शुरू हुई हैं तो आई फील रियली एनर्जेटिक भी, और फिर बड़ा एक ब्रेक लगा हुआ था वो भी टूटा तो बड़ा मजा आ रहा है। Right. अच्छा, कैसा आपको रिस्पांस मिला आज क्राउड का? रिस्पांस वाज एज यूजुअल बहुत अच्छा था। इस्लामाबाद का क्राउड, दे लव मी एंड आई लव देम, और स्पेशली मेरा जो KP का क्राउड है वो तो आपको पता है हर जगह होता है, तो उनके सपोर्ट के बगैर तो आई एम नथिंग, और उनके सपोर्ट आज फुल मेरे साथ था क्योंकि आज कोई भी पश्तो आर्टिस्ट नहीं था, बल्कि पूरे फेस्टिवल में उस तरह से कोई बड़ा नाम नहीं था पश्तो आर्टिस्ट का, जो मुझे थोड़ा सा फील हुआ तो फिर मैंने उनसे गिला किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा किया क्योंकि इस्लामाबाद में पश्तो म्यूजिक के लिसनर्स बहुत ज़्यादा हैं जी, नो डाउट, और मैं तो समझता हूँ कि इस्लामाबाद पूरा जो है पश्तून कल्चर में रंगा हुआ है। आप कोई भी रेस्टोरेंट देख लें, जितने भी चाय खाने हैं ढाबे हैं देख लें, आपको टोटली जो है पश्तून कल्चर उसमें नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम देखना चाहते हैं आपकी मजीद परफॉर्मेंस पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में। इंशाल्लाह बस काम स्टार्ट हो गया, अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। एक काफ़ी हार्ड डिसीजन था लेकिन उन्होंने लिया, अल्लाह करे ये कायम रहे और आवाम थोड़ा सा जो है SOPs को फॉलो करे तो इंशाल्लाह ये जारी रहेगा सारा। बहुत शुक्रिया अब्दुल, थैंक यू सो मच। मैं हूं अज़ीम गुल खान एंड यू आर वॉचिंग सुनो डिजिटल। All right, this time a main artist of the event is performing, as you can see in the background, Ali Azmat, the rock star of Pakistan, the legendary rock star is performing. Aur neend aati nahi unhone ye wala song kiya jo mera khayal unki shayad pehli album se thi. Let's have a close up. Oh,
मजीद हाईलाइट्स भी दिखाएंगे आपको, देखते रहिए सुनो डिजिटल। और यन और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सोचा हमने कर दिखाया, और पोस्ट कोविड जो चीज़ें चल रही थी, लोगों के जो फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, हम चाह रहे थे उसको ब्रेक करें। और इतना कलरफुल इवेंट, इतना कलरफुल इवेंट कि हमने जो मुख्तलिफ इवेंट्स बच्चों को दिए, लोगों को दिए, बड़ों को दिए, पाकिस्तान के अंदर जो कोने कोने से लोग थे, अब मैंने तो देख रहा सुनने में आ रहा था लोग गुजरा वाले से, सियालकोट से, लाहौर से, वो भी तशीले, यस वहाँ से भी लोग आए। तो पैराग्लाइडिंग शो बिज के बंदे आए और इस तरह के कलरफुल इवेंट्स हैं और ऑसम, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। असर हमारी कोशिश है कि हम इसको गाय बगाय चलाते रहें, इंशाल्लाह ये रुकेगा यहाँ पर नहीं, इंशाल्लाह ये सिर्फ इस्लामाबाद बाद हम गवादर कर रहे हैं, गवादर इंशाल्लाह दिसंबर में सॉरी अगस्त में होने जा रहे हैं, आप सबको इनवाइट कर रहे हैं, और यही मजमा इंशाल्लाह हम प्रॉमिस करते हैं कि वहाँ पर हम लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू। मीरपुर से आजाद कश्मीर से हमारे एक दोस्त हैं जो कि बड़े रैपर हैं। दूसरा रैपर कहाँ गया? वो लंदन गया हुआ है। तानू कला चढ़ गया? बस कोरोना की वजह से फंस गया थोड़ा सा। ओके आप बताइए कि हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, और ये जो आपको मिला डूइंग आफ्टर कोविड 19 के बाद, जो लॉकडाउन के बाद, इतने अरसे बाद जो ये इवेंट हुआ, हाउ डू यू फील सर? सीरियसली बहुत ही अमेजिंग क्राउड था, और काफ़ी टाइम बाद किया तो बहुत एनर्जेटिक थी, और एक्साइटमेंट भी थी थोड़ी, पता है एक साल बाद शो कर रहे हैं, वरना बैक टू बैक शो से चलते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग। अपने स्टाइल में जरा रैप करके तो सुनाया ना आपकी, मैं टिकटॉक पर फॉलो कर रहा हूँ, आपने मुझे फॉलो नहीं किया यार, मैं कुटी आपसे। मैं कर लेता हूँ फॉलो आपको, क्यों नहीं। डीजे ओमिक्स ये ट्रेजिक कहानी, तू मेरी एंजल, मैं तेरा डेवल बेबी, डेवल तेरा तेरे गम में सुनाए दर्दे महफिल बेबी, चोट खाया शेर और आशिक एक से होते। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सिड मिस्टर रैपर, सो आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल, यो यो पीस आउट मैन।
Well, it's all because of teamwork. You can't do it all alone by yourself. It's just the idea when it comes to your mind, and then you strategize and pull up, you know, right strings at the right moment, and say कि भाई अच्छा अब यह हमने इसको develop करना है. तो yes, हम लोगों को बहुत difficulties भी हुई, बहुत लोगों ने हमें बहुत से लोग आपको टांगे खींचने वाले होते हैं. I understand that. टांगे खींचने वाले और negate करने वाले बहुत होते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे करोगे आप लोग, ये क्या टूरिज्म, व्हाट इज टूरिज्म, व्हाट इज लाइक यू नो वी वांट, वी आर पाकिस्तानीज. वेल आई थिंक पाकिस्तान में मैं आई हैव बीन टू स्विट्जरलैंड, आई हैव बीन टू यूके एंड ऑल दोस, लेकिन मैं बताऊं कि जो गिलगित बल्तिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, हुंजा हो गया, दे आर लाइक दे क्वालिफाई टू बी द इक्विवेलेंसी ऑफ स्विट्जरलैंड. यू नो द प्लेसेस आर सो ब्यूटीफुल. आज भी हम हमारी टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वी हैड पीपल फ्रॉम जीबी एज वेल, द मिनिस्टर साहब हिमसेल्फ वाज देयर. And you know the kind of photography and the kind of elements that were shown to us, they're not even projected outside. वो हमने उसको exactly like Zulfi Saab said के brand Pakistan, we have to brand Pakistan in a very positive image and the true image of Pakistan, the beauty of Pakistan. It's not only कि भाई अच्छा आप बोल रहे हैं, आप physically देख भी रहे हैं. You. Oh yes, of course. Suno FM has been always there with us and always far ahead excellence. And जब भी हमने कहा, बल्कि हमने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुद अपने आप को अंदर जम किया. और इतने सारे आज भी इस फेस्टिवल में, तीन दिन के फेस्टिवल में इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स थी, इतने अच्छे उन्होंने डिफरेंट, मतलब लाइक इट वॉज सो क्रिएटिव, लाइक नॉट द नॉर्मल रेडियो प्रोडक्शन, नॉट द नॉर्मल रेडियो, यू नो blah 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 blah. Thank you very much, Rabe Amin. Ladies and gentlemen, you're watching Suno Digital. Thank you very much, man. बहुत मजा आया और आपको लग रहा होगा कि हमने कितना एंजॉय किया, मेरा आवाज आपको बता रही होगी. आपने अपने गले फाड़ फाड़ के खुद ही को कर बुलंद किया होगा. नहीं, खुद ही को कर बुलंद नहीं, बस हम मैनेजमेंट में थे तो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसके लिए काफ़ी भागम दौड़ी थी लोगों के साथ, काफ़ी थोड़ा नरम भी होना पड़ा, गर्म भी होना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से क्लोजिंग हो गया. आपने आज टिकटॉक बनाई है कि नहीं बनाई है? तीन दिन हो गए मैंने ना कोई टिकटॉक बनाई है ना कोई अपनी टिकटॉक पे वीडियो अपलोड. आपको मौका ही नहीं मिला अपने बाल खुजाने का? सीरियसली, ना कपड़े चेंज करने का ना बाल खुजाने का. लेकिन इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा दोबारा टिकटॉक. और नवाज जान के सी के नाम से मेरी आईडी है. राइट, ऑलराइट, ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुनो के बारे में क्या कहते हैं आप? सुनो एफएम से मैंने बहुत ग्रोथ किया है. सुनो एफएम में मैंने जॉब की थी फर्स्ट, और सुनो एफएम में मैं प्रोडक्शन करता था. सुनो एफएम से मैंने ग्रोथ की है. Alright, मैं हूँ अज़र हुसैन, AZ, as you know, the DJ who makes, और आपको बताते चलें कि यहाँ पे crazy crowd भी आया हुआ था. I have come across some crazy people out here, and उसमें से चंद लोग हैं, उसमें एक ये भाईजान जो कि फोन पे हैं. Please leave the phone, you're on the television right now. किसे बात कर रहे हैं? Okay, no problem. And we have Fatima. Hello. Fatima, how was the concert? It was good, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो गया था. जल्दी तो खत्म होना, घर भी जाना होता है लोगों को भेजना. इतना बड़ा क्राउड अगर आप इस्लामाबाद में देखें. It's just night अभी तो, that is why. Night is young and I understand that. And आपको कैसा लगा पूरा फेस्टिवल? इसमें फूड स्टॉल्स पे आपने विजिट किया या सिर्फ द कॉन्सर्ट दैट यू केम फॉर? No, I went for ice cream and other stuff as well. It was okay, not bad. Okay, hi Suno FM. Oh my god, that was okay. Ash, what's happening? Hello. क्या पसंद आया आपको? Everything, food, the environment, music. Ali Azmat was here. I enjoyed a lot. Ali Azmat is a love. He is a legend, rock star. Yes, he is. आपने headbanging की? Yes, I dance a lot. All right, wonderful. चलते हैं अपने भाई के पास. आपके फोन कॉल खत्म हो गई होगी अब? जी जी, खत्म हो गया सर. क्या कर रहे थे आप फोन पे? लोड करा रहे थे किसी को? Never mind. अच्छा, मैं एजी हूँ, डोंट टेक मी इजी दो.
Okay, acha bataiye, you've been working in set designing and all the stuff as well here. I think so that you this is aapka jo company mein director hu. ठीक है और इसका ऑर्गेनाइजर हूँ, ऑपरेशंस एंड सेल्स देखता हूँ, आपको अच्छे तरीके से पता और क्या क्या देखते हैं। बहरहाल एक्सीलेंट और मैसिव क्राउड था दो तीन दिन तक और बड़ा एंजॉय किया आवाम ने और बड़ा पीसफुल इवेंट। इट वाज वेल रिक्वायर्ड आफ्टर द लॉकडाउन एंड स्प्रिंग आई साथ, बसंत तो बंद है, पतंगे उड़ा नहीं सकते हैं, तो इट वाज लाइक आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। या इट वाज अमेजिंग, बड़ा टाइम बाद लोग बड़े खुश हुए और क्या फैमिलीज, ज़्यादा फैमिलीज आई और ज़्यादातर मज़ा सबने किया, एंजॉय किया और दैट्स इट। और आपकी सेकंड कॉल, थैंक्स टू यू गाइस, आपने इतना हमें कवरेज दी, थैंक यू सो मच। लव एंड पीस, दिस इज एजी फ्रॉम सोनो डिजिटल। Not only AZ, लेकिन हमारे साथ बाकी टीम मेंबर्स भी थे जे आर ऑल्सो बिहाइंड द सीन, और इसमें आइए देखते हैं कि क्या बातें हो रही हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं। कुरैशी, समी खान, तो मतलब यार मतलब ये देखें, कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया, इसके बाद आपने क्या कहना? देखिए, तमाम तर बुराइयाँ जो होती हैं वो काम के बाद होती हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तर बुराइयाँ कर रहे हैं और जिस तरीके से हमें 40 मिनट बार ख्वार कराया गया है, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आपके पास मीडिया कार्ड नहीं होगा? जी कार्ड को छोड़े, हम हमारी शक्ल ही मीडिया ली है, कैमरे से शक्ल मिलती है हमारी, किसी ना के हमारी, तो मतलब हमें हम पे भी शकूक शुबात के यार ये मीडिया के नहीं है। देखिए बेचारा पैनल चला चला के वो म्यूजिक वाले फेडर जैसा मुंह हुआ इसका, क्या क्यों क्या फेडर जैसे मुँह क्यों? देखें, बात यह है ना कि आदिल भाई का कॉमेडी की तरफ एक बड़ी सीरियस बात को कॉमेडी की तरफ ले आए, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम कोविड के बाद एक अच्छा इवेंट हुआ है। कटिंग एज को ढेर सारी मुबारकबाद, क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त कोविड के बाद एक इवेंट हुआ है। लेकिन हाँ, ज़ाहिर है अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं, हर इवेंट में होती हैं, हमने खुद इवेंट्स किए हुए हैं और आप भी अज़र भाई करते रहें। अर्ज ये है कि बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बेहतर हो सकती थी, बट हमने आज उनके जो CEO हैं चौधरी शहजाद साहब, उनको हमने मिल के पूरा बताया, गाइड भी किया है कि जो बेहतर हो सकती है इन फ्यूचर KPL में, ज़रूर उसको जो है ना उसमें मैनेजमेंट को बेहतर करें, बिल्कुल हो सकती है। और देखें, हमेशा रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ आउट देयर, चाहे जो भी आप काम करें। लेकिन कहने की बात ये है कि आप भाई जी, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बता रहे थे आपको ये चुपके से? कुछ नहीं, यही सच्ची बात बता नहीं, देखें ये नशर हो जाएगी एक बार। टिकटॉकर्स के बारे में और इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बता रहे थे कि जो है आजकल की ऑडियंस ऐसी है कि जिनको अवेयरनेस नहीं है कि किन लोगों को बुलाया जाए। लोग टिकटॉकर्स को मतलब ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन उनकी जो रीच है वो सारा बैकवर्ड एरिया वाले जो लोग हैं उस साइड। बिल्कुल, वो एक एंटरटेनमेंट जो कि उनके इलाके की है, और लेकिन दे आर एंटरटेनिंग पीपल आउट देयर। देखिए, बट वो कोई कहे कि साहिर लोधी, well that's fine, people like him as well. हर एरिया का अपना अपनी अपनी एक ऑडियंस होती है, हर एरिया की जो है ना उनकी नीड होती है। अब यहाँ पे ऐसा इवेंट है, इस इवेंट पे अगर हम बुला लें कि कोई ऐसे लोगों को, तो वहाँ पे आके सारा काम खराब ही करेंगे। Well, obviously they're frustrated and everybody wants to have some fun, so I guess they're over excited. Right, true that. And are you looking forward to such events? Of course. Oops. That's our life, yeah. Yeah, that's a life. Music is a life. Yes. No boundaries though. Yes, that's right. And hopefully we'll have a lot more. Ek jo $1000 ka question hai na, wo ye hai ki what keeps you ever young and energetic? Dieting. He's dieting now. You're watching Sono Digital. I'm Azhar Hussain, signing off right now.